लखनऊ में 23 वर्षीय युवती को फिल्म में काम दिलाने का झांसा देकर उसके साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना लखनऊ के थाना चिन्हट क्षेत्र के मटियारी इलाके की है, जहां कुछ दिन पहले विपिन सिंह नाम के युवक से युवती की मुलाकात हुई। विपिन ने युवती को फिल्म में काम दिलाने का सपना दिखाया और उसे फिल्म डायरेक्टर से मुलाकात के लिए बुलाया। विपिन के झांसे में आकर युवती उसके पास पहुंची तो उसे मटियारी इलाके में होटल क्रिस्टल इन में ले जाया गया। वहां पर पहले से दो लोग मौजूद थे, जिनमें से एक की पहचान फिल्म डायरेक्टर के रूप में कराई गई। इस बीच कोल्ड ड्रिंक मंगाई गई और जब युवती ने कोल्ड ड्रिंक पी तो वो बेसुध हो गई। इसी हालत में उसके साथ गैंगरेप किया गया। आरोपियों के चंगुल से छूटी पीड़िता ने थाना चिन्हट पहुंचकर FIR दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपी की तलाश जारी है। दिनांक 1 सितंबर 2024 को थाना चिन्हट को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक 23 वर्षीय महिला द्वारा बताया गया कि 28 अगस्त 2024 को विपिन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें फिल्म में काम दिलाने के नाम पर मटियारी में एक होटल में बुलाया और वहां पर उनके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना चिन्हट पर एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों को इसमें हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।